अस्सलाम वालेकुम, आदाब, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। इस्तकबाल है आपका सारा ब्लॉग 93 पर। नाज़रीन, आप सोच रहे होंगे कि मैं तैयार किस लिए हुई। मैं आज फिर घूमने जा रही हूँ। आज लेके चलूँगी आज अपने साथ आपको हर जगह, मगर नाम नहीं बताऊँगी। बने रहे आप मेरे साथ, आइए। हम पहुंच चुके हैं गाइस उसी जगह पर जहां हमने आपसे आने का वादा किया था, मगर जगह का नाम नहीं बताया था। हम पहुंच चुके हैं सिटी फॉरेस्ट गाज़ियाबाद, आप देख सकते हैं। आओ अब अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या नज़ारा है। इसका नाम है हिंडन नदी, इसको हिंडन नदी बोलते हैं। इसी के ऊपर से हम गुज़र रहे हैं। बहुत खूबसूरत सा ये पुल बना हुआ है, क्या नज़ारा है। हम जा रहे हैं अंदर, ये उसका एंट्री गेट है। अब देखते हैं अंदर चल के क्या होता है, टिकट वगैरह लेंगे। मैंने टिकट ले ली है, दो टिकट 10 रुपये की एक टिकट है, कोई ज़्यादा महंगी नहीं है और बहुत अच्छी जगह है। आइए अंदर का नज़ारा करवाते हैं। गाइस, हम टिकट लेकर अंदर आ चुके हैं। सामने हमने देखा तो ये 4 खातून बैठी हुई हैं, चरखा चला रही हैं शायद। हिस्ट्री तो मुझे इनकी मालूम नहीं है, बहरहाल आप ही देखिए। अब हम अंदर की तरफ जा रहे हैं, देखते हैं इसमें आगे चल के क्या क्या चीज़ें देखने के काबिल हैं। शायद झूले वगैरह होंगे तो, या फिर आप देखते रहिए मेरे साथ। अभी तो हम दाखिला हमने किया है, अभी एंट्री ली है, अब आगे देखते हैं। गाइस, यहाँ पर सन्नाटा कितना है देखिए, कोई शोर नहीं, कोई गुल नहीं, कोई चीज़, एकदम रिलैक्स, एकदम पुरसकून माहौल यहाँ पर, इस तरह का कोई माहौल नहीं है, बहुत ही पुरसकून माहौल है, एकदम सन्नाटा। चलते रहिए मेरे साथ। हम इतने अंदर आ चुके हैं, अभी हमें और अंदर जाना पड़ेगा। शायद मैं यहाँ पहली मरतबा आई हूँ, इसलिए अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि किधर से जाना है। शायद सामने से ही रास्ता है। आओ चलते हैं अंदर जाकर देखते हैं। वहाँ पर सामने देखो दो गाय है शायद पत्थर की, आइए दिखाते हैं। वाह, बहुत अच्छे। चलिए गाइस, अब और अंदर चलते हैं। जगह जगह पर यहाँ इस तरह की मूर्तियाँ बनी हुई हैं। देखिए 4 लोग बैठे हुए हैं, और देखते हैं आगे चल के क्या है। यहाँ पर खेती हो रही है, पार्क के अंदर ही फसलें खड़ी हैं, फूल आ रहा है फसलों पर, काफ़ी अच्छा नज़ारा है। जितना अंदर जाते जा रहे हैं, कोई ना कोई नई चीज़ हमें देखने को मिल रही है। आइए और देखिए, और चलिए चलो।
खुदा के कुदरत के नज़ारे देखना, गुलाबी पिंक कलर के फूल कितने खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत अच्छा नज़ारा है भाई, दिल खुश हो गया। मगर अंदर की तरफ बड़ा अंधेरा है, कितना अंधेरा है, बाहर निकल के आइए अंधेरे से जल्दी से, फिर से फूलों का नज़ारा कीजिए और आइए मेरे साथ। और अंदर देखो नाजरीन, ये वोटिंग हो रही है, हम थोड़ा सा आगे निकल गए थे, वापसी आए हैं, बहुत बड़ा पार्क है, सही से रास्तों का भी पता नहीं चल रहा कि किधर से जाना है, मगर है बहुत खूबसूरत। आइए और पानी में तैरती हुई ये नाव, वाओ क्या नज़ारा है, बहुत खूबसूरत। ज़मीन पर एक बात दिखाइए, छोटी छोटी घास और फूल उगे हुए हैं और ये सब बेल फैली हुई है, एक तरह से फर्श बिछा हुआ है घास का, बहुत अच्छा नज़ारा लग रहा है। तो मुझे चाहिए यकीनन आपको भी पसंद आएगा। क्या करना है, हमें नाव में बैठना है या नहीं, दिखाते हैं आपको। फाइनली हम पहुंच चुके हैं जहाँ वोटिंग हो रही है, अब देखते हैं आगे क्या होना है। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए और बराबर खूबसूरत वादियों का नज़ारा करते रहिए, दिखाते रहें इंशाल्लाह आपको। वोटिंग वाले भैया कहीं गए हुए हैं, थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं, जब आए हैं तो कोशिश करेंगे कि घूम कर जाएँ, झील की सैर करके जाएँ। झील है और बहुत खूबसूरत ये नज़ारा है, जिसके लिए हम कई किलोमीटर चल के यहाँ आए हैं आपको साथ लेकर। देखिए गाइस, टिकट ले लें, लीजिए भैया 100 रुपये। फाइनली वोटिंग का हमने टिकट ले लिया है, अब हम वोटिंग करने जा रहे हैं और आप भी हमारे साथ बने रहिए। देख सकते हैं नाजरीन, हम फाइनली इस वक्त वोट पे बैठ चुके हैं और ये नज़ारा, चलाओ भाई चलाओ। अल्लाह डर लग रहा है, बीच में कोई ले जाना। साइड में को मेरा मानना ये है कि अपनी ज़िंदगी को जीना चाहिए। मान लीजिए कहीं आए हैं तो तमाम पल लम्हे घंटे मिनट सेकंड हर किसी को एंजॉय करना चाहिए। नाज़रीन ज़िंदगी एक बार मिलती है, दोबारा मिले, इसलिए अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जिए और अपनी तमाम ख्वाहिशात जो जायज़ हैं उनको पूरा करें। जिस तरह मैं कोशिश करती हूँ कि छोटी छोटी खुशियों को बांटूं अपनी फैमिली से, अपनी जो मेरी फ्रेंड्स हैं वो, और आप सभी हजरात, जैसे कि मेरी YouTube फैमिली के तमाम मेम्बरात, तो सभी से मैं अपनी खुशी शेयर करना चाहती हूँ। तो आप देख सकते हैं इस वक्त मैं एक नाव में बैठी हुई हूँ और अपने खुशी के पल आप सबसे शेयर कर रही हूँ। हाय पानी। ये देखिए पानी, समुंदर नहीं झील। कोई बात नहीं, अभी हम चलते चलते किनारे से काफ़ी दूर आ गए हैं और आप देख रहे हैं मैं इसी येलो कलर की बोट में बैठी हुई हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि आप सबको ये नज़ारा दिखा सकूँ। अरे सामने
अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने इतनी तरह की नामतों से नवाजा। बस जितनी भी नामतें हमें मैसर आए, हमें चाहिए कि अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें और उन नामतों से सरफराज होते रहें, महजूज होते रहें और खुदा की नामतों का शुक्र अदा करते रहें। उधर भी कुछ लोग बैठे हुए हैं, थोड़ी दूर है यहाँ से। इस वक्त हमारी बोट रुक चुकी है, हमारे ड्राइवर साहब थक चुके हैं। नाज़रीन बहुत खुशी का पल है, माशाल्लाह। ऐसे मौके पर मैं यूं ही कहूँगी खुदा की हम सना में कि ज़मीं तो कुछ भी नहीं, ये आसमान तेरा है। ज़मीं तो कुछ भी नहीं, आसमान तेरा है। नबी को अपना बना ले, जहान तेरा है। और कहीं पे ताज, कहीं मकबरे, कहीं है किले, तुझे खबर भी है, हर एक निशान तेरा है। तुझे खबर भी है, हर एक निशान तेरा है। तो नाज़रीन, काफ़ी तवील सफ़र होता जा रहा है और मैं देखना इसी यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं बच्चों के साथ। अब कोशिश की जाए कि घूम कर फिर नहीं जाया जाए और ये सब नज़ारा आपको मैं बार बार दिखाने की कोशिश करूँगी। देखिए नाज़रीन, अभी हम किनारे के करीब हैं, मगर ये किनारा दूसरा है, हमें दूसरे पर जाना है। अंधे ख्वाबों को उसूलों की तराजू दे दे, मेरे मालिक मुझे जज्बात पर काबू दे दे। मैं समंदर भी किसी गैर के हाथों से ना लूं, एक कतरा भी समंदर है अगर तू दे दे। एक कतरा भी समंदर है अगर तू दे दे। नाज़रीन, ये हमारा सुहाना सफ़र, छोटा सा सफ़र, उम्मीद करती हूँ कि आप सबको पसंद आया होगा। अभी हम महवे सफ़र हैं, जब किनारे पर जाएंगे तो इंशाल्लाह फिर बताएंगे आपको। अब निकल चुके हैं हम घर के लिए। गाइस, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमानिल्लाह।